चुकंदर इतना भर दिया गया है कि सब्जी नहीं दिखाई दे रही। हद है यार, मैंने आपके लिए लिमिट में सब कुछ लाया था पर कि तुम मेरा खून चूसोगी, इससे बड़े चुकंदर खिला के खून बना दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, 2 बजे वाली गुड मॉर्निंग। एक्चुअली 2 बजे से मैथिली मैडम उठी हैं और ये सो नहीं रही हैं। मैंने बहुत कोशिश किया और मैथिली के पापा सो रहे हैं, अक्सर ये संभाल लेते हैं, पर ये बोले कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एक्चुअली कल ये शादी से आया तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बोले आज तुम संभालो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम करिए, मैं संभाल लेती हूँ। और मैडम की आंखों में कहीं भी नींद नहीं दिखाई दे रही है। मैंने कहा चलो जब तक ये जाग रही हैं तब तक मैं अपने कुछ कुछ काम निपटा लेती हूँ किचन के, और फिर इनको लेकर आ गई मैं लिविंग रूम में। तो सुबह मैं उठी हूँ तो मेरे साथ साथ मैथिली भी उठ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा काम इन्हीं को कराना रहता है मेरे साथ, इतनी जल्दी उठ जाती है। ओ हेलो हेलो बोल दो सबको। बेटू टाइम देखिए, 5:30 होने को है और ये लड़की 2 बजे से उठी हुई है मैथिली, और देख रहे हैं मेरे बाल वाल कैसे हो गए हैं। तब से मेरे पास ही है, ना तो लेट रही है ना तो सो रही है। बेड पे लेटा देती हूँ तो रोने लगती है, गोद में ले लेती हूँ तो शांत रहती है। एक्चुअली बच्चे भी एक जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि मतलब थोड़ा टहलाया जाए, है ना, एक ही रूम में पड़े पड़े बोर होने लगते हैं। अब सोना नहीं है क्या? तुम सो जाओ तो मम्मा पढ़ाई कर लें। इसकी आंखों में कहीं नींद नहीं दिख रही है। रहती हो यार? जीजू भी आया नहीं, गाय का दूध कॉल कर रही थी उठाई नहीं, गाय का नहीं आया है। अच्छा गया, ओके ओके दे दो। जीजू आए थे आद्विक के लिए गाय का दूध लेने, और मुझे पता नहीं था कि अभी आया है कि नहीं है, तो उन्होंने बताई बाद में कि मौसी आ गया। मैंने कहा ठीक है दे दो जीजू को। और मैथिली को मैं दादी के पास उनके रूम में देकर आ गई, क्योंकि उनके रूम में आई थी बहुत अच्छी से धूप, और मैं सोची तब तक मैं चलती हूँ अपने रूम को ही सही कर लेती हूँ, अपना बेड सही कर लेती हूँ। और बेड सही करने के बाद इनके बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे तो मैं उनको अलमारी में अच्छे से लगाने लगी। तो आज बनने हैं भजिया। तनु का मन था कि पराठे खा के बोर हो गए, उसको भजिया खाना है, तो मैंने कहा चलो तुम किचन में आती हूँ फिर बनाते हैं हम लोग भजिया। तो ये तनु तैयार कर रही है मटेरियल, इसमें थोड़ा सा पानी का छीटा मार करके थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट करो, अदरवाइज ना ये भजिया बहुत ज़्यादा कड़क होगी। हम लोग इसको हथौड़ी से मार मार के तोड़ तोड़ हथौड़ी से तोड़ तोड़ के खाना। तो तनु भजिया बना के ले आई है और चाय, और अकेले ही खा रही है, मैं नहीं खा रही हूँ, बना कर भी लाई खुद ही खा भी रही है। एक्चुअली मैं अभी मैथिली का मसाज कर रही थी तो इसलिए वजह से नहीं खा पाई, पर मैथिली से थोड़ा फ्री हूँ तो फिर खाऊँ मैं भी, क्योंकि मेरी देख चाय दे तो मेरी ठंडी हो रही है, बाद में ही लाई होती मेरे लिए। मुझे क्या लगा मौसी, बने बने भी चाय खराब हो जाती है ना, बना के रखने से भी, मैं सोची पीती रहेंगी आप ऐसे। चलो ठीक है। मैथिली रोने लगी तो मौसी को उसको लेना पड़ा और उनकी चाय हो गई ठंडी। कोई बात नहीं, पी लूंगी मैं ऐसे ही। भजिया बहुत अच्छी बनी थी और हमें खाने में आ गया मजा। जगन्नाथम प्रेमानंदे, ये क्या हुआ? क्या जीरो डाटा लेफ्ट है मौसी, जीरो एमबी, पूरा नेट आप खत्म कर डाली। क्या करूं, 2 बजे से मैथिली उठी थी, मेरे पास करने को कुछ था नहीं, इसको लेके बैठी रही, झूला झुलाई झूला झुलाई, बोर हो रही थी तो मोबाइल का डाटा। तो बेइज्जती करने के लिए मैं यहाँ किचन में आई हूँ। देखिए जरा आप सब लोग, ये तनु जी ने सब्जी बनाई है आलू भुजिया, और इसकी हालत देखिए जरा। और एक चीज, इंडक्शन पे दूध बॉयल होने के लिए रख के गई थी, इसकी भी हालत देख लीजिए जरा, होश में नहीं रहती लड़की थोड़ा सा। और
मैथिली को दादी के पास देकर मैं जा रही हूँ नहाने। अरे ये क्या है भाई, फैन चल रहा है इतनी ठंड में भी। एक्चुअली अभी पोछा लगा है इस वजह से फैन चालू है, तो मैं फटाफट से नहा कर आती हूँ क्विकली। मौसी नहा के आ गई हैं। मौसी आप कुछ खा लीजिए, एक बज रहे हैं। एक बज रहे हैं, अभी तक मैं कुछ खा ही नहीं हूँ। भूख तो बहुत जोर से लगी, सबसे ज़्यादा प्यास लगी है। ए सिया के वो कहाँ गए, फ्लैश कार्ड ऊपर वाले ड्रॉर में। ये देखो ड्रॉर में एप्पल पड़े हैं यार, कितने दिन से। ये एप्पल 10 दिन से मैथिली के पापा ने रखा था इसको खाने के लिए, नहीं खाया वो, अब देखिए वो ड्रॉर में पड़ा है। वाह भाई सही, सो गई यार। जिसका वेट बहुत हल्का लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत हल्की लग रही है, पता नहीं क्यों, क्या बताऊँ क्यों हल्की लग रही है। मसाज के बाद मैंने इसके कपड़े चेंज किए थे, बट स्वेटर नहीं चेंज किए क्योंकि गंदा नहीं हुआ था ना, और उसमें ऑयल भी नहीं लगा था। मैं सोची चलो कल शाम को पहनाई थी, अब कल चेंज कर देंगे मॉर्निंग में, नहीं तो फिर इवनिंग के मसाज में चेंज कर देंगे। चुकंदर खिलाओ बेटा, मेरा खून चूसते हो सब लोग, ठीक है। चुकंदर मैं खा रही हूँ, मैं किसका खून चूसूंगी। कितने गंदे पापा देख रही हो, एकदम गंदे पापा। मम्मा बोले चुकंदर खुद खाया करे, नहीं पता लगे खून चूस गया हम लोग। अच्छा मैथिली को देखो कितने अच्छे अपने हाथों के चटकारे ले रही है। अभी थर्ड मंथ में गई है ना, तो थर्ड मंथ से बच्चे ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, गर्दन घुमाते हैं और अपने फिंगर्स को मुंह में डालते हैं। तबीयत खराब हो गई है। हाँ इनके पापा कह रहे भैया लोगों को बता दो मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं बता दूँ इनके पापा की तबीयत खराब हो गई, ठंड लग गई है, क्योंकि कल ही गए थे शादी में और फिलहाल यहाँ से तो बाइक से गए थे, बाद में गाड़ी से गए थे। मैं बोली थी हेलमेट लेके चाहिए नहीं तो कान में हवा लगेगी, लेकिन लोगों को तो हीरो बनना है, कान में कितनी भी हवा लगे बाल नहीं खराब होने चाहिए ना। ये खाना किसका है, सब्जी कहीं दिखाई, मतलब चुकंदर इतना भर दिया गया है कि सब्जी नहीं दिखाई दे रही, हद है यार। मैंने आपके लिए लिमिट में सब कुछ लाया था, पर तुम मेरा खून चूसोगी, इससे बने चुकंदर खिला खिला के खून बना दिया जाए। मतलब थप्पड़ लगाऊं भी तुमको खींच के मैं, है चूसेंगे ना तब आपका खून बढ़ना चाहिए। मतलब थाली देख लो कितना गंदा लग रहा है, इतना चुकंदर कोई खाता है। 200 में पेट भर के थाली, 200 मैं इसको फ्री में भी नहीं खाऊंगी, ले जाओ अपना चुकंदर। यार भूख तो मुझे भी लगी है, कचौड़ी बनाएगी आलू की, तो बनाओ यार। हाँ तो बॉयल होने के लिए रखी है। अरे यार आलू कुकर में रखा है ना, कुकर देखिए वहाँ पे है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि वो गैस पे रखा है, तो पक गई है आलू ना, पक गई है, हवा निकल गई, हवा निकल गई, गैस निकल गई उसकी कुकर की, कह रहे हवा निकल गई। तो आज हम लोग मूंगफली पार्टी कर रहे हैं, और कुछ मूंगफली थी जो बिल्कुल सौगी हो गई थी, तो ये उसको कहें माइक्रोवेव में गर्म करने हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, चाय की तरह कहीं वो भी ना ब्लास्ट हो जाए। इसका ये रिजल्ट है। तो मैं बैठ के इंतजार कर रही थी कि मूंगफली लेकर आए, और देखो मैं वो माइक्रोवेव में क्रिस्पी हुई है नहीं हुई, फाइनली लेकर आ गए और मूंगफली क्रिस्पी थी, और तब तक मैथिली भी उठ गई थी, तो मैं इसको गोद में लेकर बैठ गई और ये मेरी गोद में बैठ कर खेल रही थी। तो माइक्रोवेव में इनकी मूंगफली जो है बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। आप लोग भी जब कभी ऐसा सौगी हो जाएगा ना तो क्रिस्पी कर लिया करिए, बहुत आइडिया देते हैं। एक दिन तो चाय ही ब्लास्ट करवा दिए थे, मैं तो डर भी आ जाएगी कि क्या हो जाए, पर ये सही है। तो प्लीज़ ये सब ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड हमारे चैनल को आई मीन टू से मैथिली के चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, है ना। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।